लोग कहते थे कि इस महीने में चित्राल ना आए क्योंकि हुसन नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि साल 12 महीने चित्राल खूबसूरत रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी। इस वक्त चित्राल में तारीख है 19 नवंबर 2020। होटल है पामीर रिवर साइड इन, और किस तरह नज़ारों में सुबह सवेरे जाग गए हैं। मौसम काफ़ी ठंड है, शायद मेरे ख्याल में टेम्परेचर होगा 5 to 6 समथिंग। नज़ारा आपको दिखाता हूं, रूम भी देख ले आप और आइए मेरे साथ। होटल किस तरह नज़ारों में है ये ज़रा आप देख लें। भाई से जानना चाहेंगे, महीना है अब नवंबर का, जी किस महीने तक पॉसिबल है गेस्ट का यहाँ आना? सर वैसे तो पहले टनल बनने से पहले तो ये दिसंबर के बाद बिल्कुल यहाँ लोग नहीं आते थे, अभी तो अराउंड ये टनल खुला रहता है तो हर महीने, खास करके विंटर पे आप ज़रूर आ जाए क्योंकि विंटर में आप चित्राल को प्रमोट कर ले। विंटर टूरिज्म बहुत कम है यहाँ पे क्योंकि रोड खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर भी होता है तो उसका अपना मज़ा होता है। तो आप काइंडली आपके थ्रू ये हुए कि आप विंटर में भी आ जाए। दिसंबर यहाँ पर स्टे करते हैं वो, उनके लिए कुछ आइडिया शेयर करे कौन कौन सी जगह हैं यहाँ नज़दीक। सर चित्राल में तो जगह बहुत ज़्यादा है वैसे तो, हर जगह जाए टूरिस्ट प्लेसेस ही है। वैसे कम दिनों के लिए जो आते हैं उनके लिए तो कैलाश वैली डेफिनेटली लोग जाते हैं, हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मा, तो मैं चित्राल मेन सिटी है, शाही किला है, शाही मस्जिद है, मारफोर प्लेसेस है। सर यही चीज़ें तकरीबन 3-4 दिन से इसके लिए काफ़ी है। अच्छा फयाज, आने से पहले ज़्यादा लोग कह रहे थे कि नवंबर में ना जाए, विंटर है, स्नोफॉल, बारिश उसका सिलसिला होगा तो ब्यूटी नहीं होगी। हम आए, देखा चित्राल तो बड़ा पसंद आया। जी बिल्कुल कबीर भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ते में भी आपने देखा, इस मौसम का अलग अपना ही एक मज़ा है। यानी आप इस मौसम में आएंगे तो आपको पतझड़ भी नज़र आएगा, आपको स्नोफॉल भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ इस मौसम में यहाँ आने का अलग और अलहदा ही मज़ा है। यानी साल 12 महीने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ हुसन से नवाजा है। जी बिल्कुल, लोगों को चाहिए कि सर्दियों में भी आउटिंग करें, विज़िट करें इन एरियाज़ का, और काफ़ी खूबसूरत जगह हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है पाकिस्तान को, जैसा कि आप प्रमोट कर रहे हैं, आप बहुत खिदमत कर रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट हिम। और आगे भी जाके इंशाल्लाह आपसे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि और भी प्रमोट करें इंशाल्लाह। सयाह अगर चित्राल आना चाहे, चित्राल के बारे में, चित्राल तो सैर के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है, और इसमें खासकर वो जो आपके गर्म चश्मा है और कैलाश वादियाँ हैं वहाँ की सैर के लिए है। और चित्राल वैसे भी पुरमन इलाके हैं, और यहाँ पर
इन फ्यूचर में ये मेन हब भी बनने जा रहा है। ये जब रोड बन जाएगी टनल वाली तो इंशाल्लाह टूरिज्म के हवाले से चित्राल, अब भी लोग काफी आते हैं, पार्टनर्स आते हैं, फिर तो ये मेन हब बन जाएगा और इंशाल्लाह इस डेवलपमेंट में भी टूरिज्म बड़ा कारामद साबित होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से फैमिलीज आना चाहते होंगे, बच्चे आना चाहते होंगे, तो उनके जहनों में शायद ये होगा कि इलाके में कुछ क्राइम्स रेशियो नहीं, क्राइम तो बिल्कुल है नहीं चित्राल में। चित्राल तो पीसफुल इलाका है और ऑलरेडी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से फैमिलीज आती हैं। ये तो अभी चूंकि सीजन ऑफ हो चुका है, स्नोफॉल शुरू हो गई है, गर्मियों में तो सारे होटल बुक होते हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ। ये कैलाश में है, गर्म चश्मे में दूर दराज से, और गर्म चश्मे में चूंकि वो नहाने के लिए भी गर्म पानी में लोग आते हैं, कुछ वो है कि इससे हड्डियाँ ठीक होती हैं, तो इस हवाले से दूर दराज से लोग आते हैं। कई दफ़ा मैंने खुद भी देखे हैं और हमारे तो हर इलाके में पुलिस स्टेशन है, टूरिज्म पुलिस भी है और लॉ एंड ऑर्डर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल का हमेशा अच्छा ही रहा है। तो टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं और उनकी हर किस्म की सिक्योरिटी चल रही है। अच्छा, मुलाकात हुई डॉक्टर रफ़ीउल्लाह भाई से, जानना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, इलाके में क्या ऐसी कमी है जो कि ये चाहते हैं यहाँ पर हो। जी रफ़ीउल्लाह भाई, थैंक यू कबीर भाई आपके यहाँ चित्राल आने का और चित्राल को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि चित्राल की जो वैलीज है वो काफ़ी बैकवर्ड है, मेनली वहाँ रोड का बहुत इशू है। जो पाक अफगान बॉर्डर पे अरंदू नाम का वहाँ एक इलाका है, वहाँ पे बहुत अल्लाह की एक नेचुरल ब्यूटीज़ वहाँ बहुत है, लेकिन रोड ना होने की वजह से और इंटरनेट ना होने की वजह से, मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से ये जगह बिल्कुल किसी ने देखी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर हो सके आपके थ्रू, आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम चाहते हैं कि ये जगह जो अनसीन है, अनसीन ब्यूटीज़ है, ये दुनिया को एक्सप्लोर हो। बड़ा बिजी दिन रहा, फिर से पहुंच गए पामीर होटल, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, गपशप होगी और फिर होगा आराम। कल का क्या प्लान होगा स्टे के?